हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एंड द टॉपिक इज मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सर, ये कौन सा टॉपिक है? दिस इज योर पेनाल्टीज, दंड का प्रावधान है। पेनाल्टीज आप पढ़ाएंगे आज? जी, आज हम आपको पेनाल्टीज, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, द नेम ऑफ द चैप्टर। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन प्रोविजन, सेक्शन 122। आपके जो ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज हैं वो टोटल कवर्ड हैं सेक्शन 122 टू 138, सेक्शन 122 टू 138। इज इट क्लियर? हमारे जितने भी प्रोविजंस बनाए गए हैं वो 122 से 138 के अंदर तक बनाए गए हैं ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज के रिगार्डिंग। अच्छा, सेक्शन 122 इज द पेनाल्टी जिसपे, भाई डर का माहौल है ही कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पेनाल्टीज लगाई हुई हैं, पेनाल्टीज किस तरह की लगाई हुई हैं। सुना है जेल में भी डाल देंगे। अरे, लॉ पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा कि हम जेल जाएंगे या जेल के बाहर की हवा खाएंगे, वो क्लियर हो, जो कन्फ्यूजन्स हैं माइंड में वो दूर हो जाए। तो सेक्शन 122 आपके कई सवालों का जवाब दे देगा। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना, वो दोना नहीं, वो जो हाथ में लेकर घूमते हैं मार्केट में 10-10 एक-एक रुपए के लिए, वो दोना नहीं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं सेक्शन 122, पेनाल्टीज फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। ऐसा कौन सा जुर्म करेंगे आप? सबसे पहला जुर्म, रजिस्ट्रेशन कराना था आपको, आपने नहीं कराया। रजिस्ट्रेशन कराना था, आपने नहीं कराया, तो पेनाल्टी लगेगी 10,000, 10,000 और द अमाउंट ऑफ टैक्स विच हैज बिन एवेडेड। जितने टैक्स की चोरी हुई या 10,000, जो दोनों में से ज्यादा हो। आपको करवाना था रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन कराने में फेल हो गए, तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा 10,000 और द अमाउंट ऑफ टैक्स विच हैज बिन एवेडेड बाय यू विच एवर इज हायर। हमने रजिस्ट्रेशन कराया फॉल्स इंफॉर्मेशन के साथ। हमने रजिस्ट्रेशन तो कराया लेकिन फॉल्स इंफॉर्मेशन के साथ, वहां पर भी आपको पेनाल्टी लगेगी 10,000 और द अमाउंट ऑफ टैक्स विच हैज बिन एवेडेड Whichever is higher। हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, फिर नहीं कराया, लेकिन मैंने किसी दूसरे बंदे, दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज कर लिया। हाँ, हो सकता है मैंने क्या किया कि दूसरे बंदे का रजिस्ट्रेशन नंबर उठाया, अपने इनवॉइस पे डाला और उससे माल सप्लाई कर दिया। This is not okay. 10,000 or the amount of tax which has been evaded, whichever is higher, will be the amount of penalty. हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और दूसरे का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज कर लिया। हमने रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन गलत इंफॉर्मेशन दी फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कराते समय या बाद में अमेंड करके गलत इंफॉर्मेशन दी किसी भी स्टेज पर। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन कराया, सेल किया लेकिन इनवॉइस गलत इश्यू की। ओके, आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, आपने बिना माल सप्लाई किए हुए इनवॉइस इश्यू कर दी, यानी आप इनवॉइस बेचने और खरीदने का काम करने लगे। मेरी बात समझने, ये भी एक बिजनेस है, मुझे सेल नहीं करना, एक्चुअल में मेरे पास स्टॉक है ही नहीं, मैंने दिखा दिया कि मैं 20 लाख से अधिक हूँ, कंपोजिशन स्कीम में आता हूँ, गवर्नमेंट को 1% 2% टैक्स दे रहा हूँ, वॉट एवर द केस इज। तो उस केस में मेरे ऊपर पेनाल्टी लगेगी। अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो पेनाल्टी, करवाना चाहिए था, करवाना चाहिए था तो नहीं करवाया।
मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और दूसरे का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ कर लिया, मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन तुरंत या बाद में किसी समय दी, मैंने गुड्स सप्लाई नहीं किया, रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, गुड्स सप्लाई नहीं किया, सर्विसेज सप्लाई नहीं की और इनवॉइसेज इश्यू कर दी, मैंने गुड्स सप्लाई कर दिया, सर्विसेज दे दी लेकिन इनवॉइस इश्यू नहीं की, ये भी तो हो सकता है। कितने रास्ते हैं भाई, मैंने इनवॉइस इशू कर दिया, गुड्स नहीं दिया, सर्विसेज नहीं दी, मैंने गुड्स या सर्विसेज दे दी, इनवॉइस इशू नहीं किया, अल्टीमेट पर्पस तो टैक्स चोरी है। आपने अपने यहां जो डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रखे हैं परचेज और सेल्स या जो भी, वो गलत मेंटेन कर रखे हैं, जैसा बोला गया है वैसा मेंटेन नहीं किया, तो भी तो गलती है। आपसे डिपार्टमेंट का बंदा बोलता है हमारे सामने ये डॉक्यूमेंट, हमारे सामने ये एविडेंस और ये पेपर लेकर के आओ, आप वो डॉक्यूमेंट एविडेंसेस प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो ये भी तो गलती है। आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया, माल सेल कर दिया, सप्लाई कर दी सर्विसेज की, ठीक है आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया लेकिन आपने सरकार के पास जमा नहीं किया, ये भी तो गलती है। आपको टैक्स कलेक्ट नहीं करना चाहिए था, आपने टैक्स कलेक्ट करके अपनी जेब में रख दिया, सरकार को क्या पता चलेगा, कभी पता चल गया तो, ये भी तो गलती है। आपको टीडीएस डिडक्ट किया जाना चाहिए था, आपने टीडीएस नहीं काटा सेक्शन 51 के हिसाब से, ये भी तो गलती है। आपको टीसीएस कलेक्ट करना चाहिए था लेकिन आपने टीसीएस कलेक्ट नहीं किया सेक्शन 52 के हिसाब से, ये भी तो गलती है। इतनी गलती और इन सब गलतियों के लिए केवल एक सेक्शन, सेक्शन 122, और उसमें पेनाल्टी का एक प्लेन प्रोविजन है 10,000 और द अमाउंट ऑफ टैक्स विच हैज बीन एवेडेड रुपीज विच एवर इज हायर, जो दोनों में से अधिक होगा, ये तो शुरू में ही बता दिया। इसके बाद भी आएगा, फ्रॉडलेंट के केस आ जाएंगे, शॉर्ट डिडक्शन, एक्सेस रिफंड, आपने रिफंड गवर्नमेंट से ज्यादा मांग लिया, वो भी तो एक गलती है, वो भी इसी में कैटेगरी में फॉल होगा। ये सारी गलतियां हैं जो जनरल एक तरह से आप दो चार होते रहते हैं दिन भर में, ये उनके लिए। यानी सेक्शन 122 ने नॉर्मली आपके दिमाग में जितनी बातें चल रही थी वो सारी एक जगह रख दी। अभी आएंगी गलतियां, कई सारी और गलतियां हैं, 123, 124, 125 वो आएंगी, 138 तक है ऑफेंसेस, जेल तक का प्रोविजन है, कब है जेल का प्रोविजन, इन सब केसेस में तो नहीं है फिलहाल, देखते हैं आगे चलते हैं। हाँ, कोई ऑफिसर आपके पास आता है, आप उसके काम में टांग अड़ाते हैं, आप उसके काम को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, आप उसके काम को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर सपोर्ट नहीं करते, वो भी गलती इसी में ही कवर्ड है। आगे चलते हैं, एक एक पॉइंट अब देख लें, यही पर्पस था सेक्शन 122 का, अब कानून के हिसाब से समझ लिया जाए। स्क्रीन में आपके सामने दिख रहा होगा सेक्शन 122, पेनल्टीज फॉर सर्टेन ऑफेंसेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन हियर नॉट द रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल ऐसा बंदा जो टैक्स के लायक था, इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे आप, टैक्स अलग कर लेंगे और एबल अलग कर लेंगे, आपको हिसाब क्लियर हो जाएगा। वेयर अ टैक्सेबल पर्सन हु सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इश्यू ऑफ एनी इनवॉइस, जी सर, अगर आप बिना इनवॉइस के सामान या सर्विसेज दे देते हैं और इश्यू एन इनकरेक्ट और फॉल्स इनवॉइस, उसी में ही कलेक्ट कवर हो जाएगा। सेकंड, इश्यू एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, आप इनवॉइस दे देते हैं, गुड्स नहीं देते, सर्विसेज नहीं देते, आप गुड्स और सप्लाई और सर्विसेज दे देते हैं लेकिन इनवॉइस नहीं देते, दोनों हो गया, या गलत देते हैं, कोई अमाउंट कलेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट में 3 महीने के अंदर तक पेमेंट नहीं करते ड्यू डेट के बाद तक, आप कोई अमाउंट कलेक्ट तो कर लेते हैं इन कंट्रावेंशन, यानी इस कानून का उल्लंघन करके, आपको कलेक्ट तो नहीं किया जाना चाहिए था वो टैक्स लेकिन आप कलेक्ट कर लेते हैं इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, बट अगर आपने कलेक्ट कर लिया है दैट इज
compulsion over you to deposit it to the account of government beyond the period of 3 months भी अगर आपने deposit नहीं किया तो आपके ऊपर ये penalty लग जाएगी. Fails to deduct in accordance, अच्छा section 51 TDS, इसी तरह fails to deduct section 52, is it clear? Takes or utilize input tax credit without actual receipt of goods or services. Okay, ये तो मैंने उस समय बताया ही नहीं. फिलहाल अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लेते हैं जबकि आपके पास तो सामान आया ही नहीं था, सर्विसेज तो आपने ली ही नहीं थी, तो उस केस में अगर आपने गलत तरीके से आईटीसी लिया है तो यहां पर ये फ्रॉडलेंट ऑप्टेंस रिफंड ऑफ टैक्स. अगर आपने कपटपूर्ण तरीके से छल करके गवर्नमेंट को धोखा दे करके अगर आपने टैक्स का रिफंड ले लिया तो आपके ऊपर ये सेक्शन 122 लगेगा. टेक्स और डिस्ट्रीब्यूट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इन कंट्रावेंशन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है कि अगर वो गलत तरीके से आईटीसी की क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनके ऊपर भी प्रोविजन है. फॉल्सिफाई और सब्स्टिट्यूट फाइनेंशियल रिकॉर्ड, आपके पास जो ओरिजिनल रिकॉर्ड थे आपसे मांगा गया दो, आपने तुरंत चेंज करके दे दिया, लो गलत है. अगर आप गलत फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि पहले कुछ और था अब कुछ और है, तो उस केस में, या गलत इंफॉर्मेशन फर्निशेस करते हैं, तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना था लेकिन आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन में इंफॉर्मेशन गलत दे दी या बाद में कभी चेंज कर दी और गलत इंफॉर्मेशन से चेंज की. ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट एनी ऑफिसर, अगर आप किसी ऑफिसर को उसकी ड्यूटीज करने से रोकते हैं. ट्रांसपोर्ट एनी टैक्सेबल गुड्स विदाउट द कवर ऑफ डॉक्यूमेंट, देखिए ये भी चीज छूट गई कि अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट करते हैं सामान बट विदाउट हैविंग एनी प्रॉपर पेपर, तो आपको उस केस में भी सेक्शन 122 लग जाएगा. सप्रेसेस हिज टर्नओवर, आप अपनी सेल को छुपाते हैं. होंठों पे ऐसी बात में दबा के. फेल्स टू कीप मेंटेन और रिटेन बुक्स, फेल्स टू कीप और मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड बाय एन ऑफिसर एंड सप्लाइज ट्रांसपोर्ट और स्टोर्स, ठीक है. इश्यूज एनी इनवॉइस और डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एनदर रजिस्टर्ड पर्सन, ओके. टेम्पर्स विद और डिस्ट्रॉयज एनी मटेरियल एविडेंसेस. कुल कहने का मतलब ये है कि ये आपने गलतियां की तो इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी. कितनी मिलेगी सर? He shall be liable to a penalty of ₹10,000 or the amount of tax which has been evaded due to these problems or the tax not deducted or tax not collected or short deducted, whichever is higher. That's it. That was our provision under section 122. Hope so. आपको समझ में आया होगा. और आपने एक बहुत बड़ा प्रोविजन जो पेनाल्टी का था बहुत ही सिंपल तरीके से कर लिया. आप स्टार्टिंग से सोचें ना, दिमाग स्टार्टिंग से बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना था नहीं लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर लिया गलत इन्फॉर्मेशन के साथ, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिया और किसी दूसरे का रजिस्ट्रेशन नंबर हमने यूज़ कर लिया, हमने ना सेल कम दिखाई, सेल छुपा ली, डॉक्यूमेंट गलत मेंटेन कर लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन नहीं किए, इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से ले ली, सेल नहीं किया इनवॉइस इशू कर दिया, सेल कर दिया इनवॉइस इशू नहीं किया, टैक्स कलेक्ट कर लिया गवर्नमेंट के खाते में 3 महीने के बाद तक नहीं जमा किया, टैक्स कलेक्ट कर लिया हमको कलेक्ट नहीं करना चाहिए था, कोई ऑफिसर हमसे बुक्स मांग रहा है हम उसको बुक्स नहीं दे रहे, हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं मटेरियल एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स को, TDS नहीं कलेक्ट किया या शॉर्ट कलेक्ट किया, TCS नहीं कलेक्ट किया शॉर्ट कलेक्ट किया, और TDS नहीं डिडक्ट किया और शॉर्ट डिडक्ट किया, TCS नहीं कलेक्ट किया और शॉर्ट कलेक्ट किया. इसके अलावा यही सब प्रोविजंस हैं, इसको आप लोगों को देखना तो पड़ेगा. देखिए शुरू से चले,
इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से डिमांड कर लिया, रिफंड गलत तरीके से मांग लिया, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रोविजन अब आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेक्शन 123 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।